आपका फिर से स्वागत है हमारे देसी फिटनेस कोच यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आयु भाषमी। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हमको पता लगे क्या होता है क्रैम्प, क्या होता है स्ट्रेन, क्या होता है स्प्रेन, क्योंकि ये सभी वर्ड्स हम लोग डेली लाइफ में सुनते रहते हैं। किस चोट को किस नाम से पुकारना चाहिए, किस नाम से बोलना चाहिए, वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। से बात करेंगे क्रैम्प की, जिस हम लोग हिंदी में ऐठन बोलते हैं। यह मांसपेशियों व टेंडन की चोट है, जिसके होने का मुख्य कारण पहला तो जलवायु में परिवर्तन, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस। सेकंड, एक्सेसिव फैटीग या ओवरलोड के कारण, कोई चीज़ अधिक करने के कारण। थर्ड, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण। फोर्थ, वार्म अप ना होने के कारण भी ऐठन हो सकती है। फिफ्थ, गर्म वातावरण के कारण भी ऐठन हो सकती है। और सिक्स, ठंडे वातावरण के कारण। अभी आप देखेंगे कभी कभी जैसे कि ठंडी का मौसम आ रहा है, तो ठंडी के मौसम में कई लोग के हाथ या पैरों की उंगलियां ऐठने लगती हैं और पैर एकदम से मुड़ने लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्रैम्प। ये मोस्टली उन लोग को भी होता है जो लोग इकट्ठा रनिंग करते रहते हैं, कॉन्टिन्यू रनिंग करते रहते हैं, ये दिक्कत उनको भी हो जाती है कभी कभी। नेक्स्ट है हमारा मसल पुल, जिसको हम लोग मांसपेशियां खिंचाव भी बोलते हैं। यह मांसपेशी तथा टेंडन की चोट है, जिसके अंतर्गत जोरदार या बलपूर्वक मांसपेशियां खिंच जाने से स्ट्रेच होने के कारण मांसपेशियां खिंचाव या मसल पुल कहलाता है। यह चोट स्ट्रेन की श्रेणी में आता है, इसको हम लोग स्ट्रेन की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्रोइन पुल या ग्रोइन खिंचाव। इसके नाम से स्पष्ट होता है कि यह मांसपेशी खिंचाव की चोट मसल पुल इंजरी है, जो शरीर के ग्रोइन स्थान पर लगती है। यह स्थान जांग और पेट मांसपेशियों के मिलने वाले स्थान के पास स्थित होता है। यह चोट सबसे अधिक एक फुटबॉल खिलाड़ी को लगती रहती है। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेन। क्या होता है स्ट्रेन या खिंचाव? यह जोड़ के पास की मांसपेशी या टेंडन की चोट होती है। यह खिलाड़ियों को लगने वाली दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा चोट है। इसका मुख्य कारण है मांसपेशियों या टेंडन के जोरदार संकुचन या अधिक खिंच जाने। ये भी तीन प्रकार की होती हैं, माइल्ड ग्रेड वन की, जिसमें कि मांसपेशियों या टेंडन के कुछ तंतु टूट जाते हैं। मॉडरेट या ग्रेड टू, मांसपेशियों या टेंडन के आधे तंतु टूट जाते हैं। ग्रेड थ्री की स्ट्रेन, उसमें मांसपेशियां टेंडन का पूरी तरह से टूट जाना। और मांसपेशियां टेंडन के निम्नलिखित कारणों के कारण ये चोटें लगती हैं। पहला है ओवरयूज, किसी मसल्स का ओवरयूज करना, मिसयूज करना, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होना या फिर इसके हाइपर स्ट्रेच होना। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्प्रेन की। क्या होता है स्प्रेन? यह लिगामेंट की चोट होती है। सबसे पहले बात ये जान ली, लिगामेंट की चोट होती है जिसका संबंध जोड़ से होता है। लिगामेंट जोड़ के पास ही दो हड्डियों को बांधकर रखता है। यह चोट भी तीन प्रकार की होती है, माइल्ड स्प्रेन ग्रेड वन, जिसमें लिगामेंट के कुछ तंतु टूटते हैं। दूसरा आपका आता है मॉडरेट या ग्रेड सेकंड, इसमें लिगामेंट को एक भाग टूट जाता है, कहने का तात्पर्य है थोड़ा सा आधा भाग टूट जाता है। और थर्ड है सेवर, जिसको हम लोग ग्रेड थ्री बोलते हैं, लिगामेंट का पूरा टूट जाना। टेंडिनाइट्स क्या होती है? यह टेंडन की चोट है, अचानक से टेंडन के खींचे जाने से टेंडन के तंतुओं में सूजन आ जाना, जिसके कारण टेंडन सख्त या छोटा हो जाता है और उसमें स्पर्श करने पर इन्फ्लेमेशन का एहसास होता है, इसे हम टेंडनाइज कहते हैं। स्टिच, यह भी एक मसल क्रैम है जो डायफ्राम या पेट की निचली मांसपेशियों में होता है। दौड़ते समय अचानक से जो तीखा दर्द पेट में लगता है वो हमारा स्टिच कहलाता है। इंजरी से रिलेटेड आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।